वोडाफोन आइडिया का शेयर आज निवेशकों के लिए विलन साबित हुआ। जिन निवेशकों ने वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा रखा है उनको तगड़ा नुकसान हुआ है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों की आज के कारोबार के दौरान जोरदार पिटाई देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया का शेयर 21% गिरकर 11.75 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में ये शेयर 24% के करीब टूटा है। अगर किसी निवेशक ने वोडाफोन आइडिया में 1,00,000 रुपये का निवेश किया है तो आज उनको करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। अब आपको बताते हैं आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर में ज़ोरदार गिरावट क्यों आई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सरकार के कर्ज को इक्विटी में बदलने का फैसला लिया है, जिसका मतलब है कि कंपनी में सरकार अब हिस्सेदार हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया ने 16,000 करोड़ के AGR बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। हालांकि इस रकम पर फैसला टेलीकॉम डिपार्टमेंट लेगा। 16,000 करोड़ रुपए के हिसाब से सरकार की वोडाफोन आइडिया में 36% के आसपास हिस्सेदारी हो सकती है। अगर वोडाफोन आइडिया के फैसले पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मोहर लग जाती है तो सरकार की वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स घटकर 46.3% रह जाएगी। सरकार कंपनी में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करेगी। फैसले पर टेलीकॉम विभाग की मंजूरी के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार 35.8% की मालिक हो जाएगी, जबकि वोडाफोन के पास 28.5% हिस्सा होगा। बिड़ला ग्रुप के पास 17.8% का स्टेक होगा। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में राहत पैकेज के तहत AGR बकाया के लिए 4 साल का मॉरिटोरियम दिया था। अगर कोई कंपनी 4 साल बाद भी AGR बकाया को ब्याज सहित नहीं चुकाना चाहती तो बकाया को इक्विटी में बदलने का विकल्प दिया गया था। एयरटेल ने AGR बकाया को इक्विटी में बदलने का विकल्प नहीं चुना, जबकि वोडाफोन आइडिया ने इसे चुन लिया। सरकार को वोडाफोन आइडिया 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर देगी। वोडाफोन आइडिया भी देश की तीसरी टेलीकॉम कंपनी है। जियो के 44.38 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, एयरटेल के 20.02 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 12.35 करोड़ ग्राहक हैं। वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त 1.90 करोड़ का कर्ज है। इसमें बैंकों के 35,000 करोड़ का बकाया शामिल है। निवेशकों को कंपनी में सरकार की एंट्री पसंद नहीं आई, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली।